हालत देख सकते हो। और गोवा की ट्रेनें बहुत मुश्किल से मिलती है जहाँ तक सबको पता है, और मतलब इतना खाली अभी के डेट में भी, मैं कल का अगर आज देखता हूँ तो भी 300 प्लस अवेलेबल है सीट। तो जस्ट बिकॉज कोरोना और क्या है पता नहीं, लेकिन देख लो ये हाल है। रनिंग ट्रेन है, ट्रेन खुल चुकी है ऑलरेडी और 3 घंटे की जर्नी हो चुकी है फ्रॉम यशवंतपुर स्टेशन। ये देखो कॉकरोच आपको दिख रहा होगा, ये अंदर कॉकरोच और नीचे ऑलरेडी हमने इतना का सर्वनाश करके रखा है। तो ये है इंडियन रेलवे का भी हालत, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर परेशान है, मतलब बर्थ पे कोई भी नहीं सो पाया है। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी दिखा रहा हूँ, देखो गाइस यहाँ पे देख लो, तो ये पूरा कॉकरोच भरा पड़ा है इंडियन रेलवे के बोगी में। और अभी हम हैं S6 में, और बाकी का पता नहीं कंपार्टमेंट का क्या हाल है, लेकिन आपको दिख जाएगा एकदम आराम से पूरा चूहा और कॉकरोच पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, तो आप इंडियन रेलवे के बारे में जानना चाहते हैं तो सनी से बात करिए। सनी, कुछ बोलना चाहोगे इंडियन रेलवे के बारे में? इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे अच्छा रेलवे सिस्टम है। वाह 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 वाह, डायलॉग बोल दिया। और ये डायलॉग आप प्लीज़ इग्नोर करिए, क्योंकि ऊपर का हालत आपको मैंने अभी जस्ट दिखाया है कि क्या चल रहा है। ये भाई पूरा अच्छा, अभी और बोलना है इनको, अभी और बोलना है, ठीक है कंप्लीट कर लो। इंडियन रेलवे बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं दे रही हैं अपने कस्टमर को, जैसे कि अभी कोरोना वायरस से लोग इफेक्टेड हैं, तो ये ना सोने के लिए इतनी गंदगी फैला के रखी गई है कि लोग रात भर जागते रहें और अपना बचाव करते रहें। और जैसे जानते हैं इंडियन रेलवे में चोरी बहुत सारे होते हैं, तो इस कारण ये गंदगी फैलाई गई है कि लोग जागे रहें। आप तक जो बात पहुंचाई गई है अभी, वो सिर्फ एक काल्पनिक है, इसको सीरियसली ना लें आप, से इसका कोई लेना कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ संयोग, अगर कुछ मिलता जुलता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, ठीक है। तो इसको कट तो नहीं करेंगे, डाल ही देंगे ब्लॉग में, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है गवर्नमेंट का, पब्लिक का, मेरे सब्सक्राइबर्स का। तो आपने देखा मतलब अपर बर्थ ये क्या है, अब फिर इधर का देख लो क्या है। और ऐसा नहीं मतलब कि यही दो बर्थ, आप पीछे का देखोगे वो बर्थ ना अपर बर्थ, तो वो भी वही हाल है, ना कोई बर्थ साफ है ना कोई बर्थ क्लीन है। और नीचे जो कॉकरोच का मैंने आपको दिखाया डेड बॉडीज, वो यहाँ पे पड़ा है ऑलरेडी, देख लो इतने कॉकरोचेज हैं ना यहाँ पे, मतलब सोने से डर लग रहा है कि कहीं नाक में कान में ना घुस जाए। और नाक में तो खैर आप बचा लोगे मास्क से, जो कि अभी सब लोग यूज़ कर रहे हैं, कान में कैसे बचाओगे। तो हालत काफ़ी ख़राब कर दिया इंडियन रेलवे ने, हम ही लोग का मतलब सभी का यही हाल है। पीछे भी अगर मैं देखने गया था उस साइड, तो वहाँ भी कोई भी सो नहीं रहा है, सब लोग उठ के वेट कर रहे हैं कब सुबह हो कब पहुँचे कब पहुँचे, तो ऐसा चल रहा है अभी के लिए।